सो हे एवरी वन, इट्स मी प्रेरणा थापा। वेलकम टू माई अनदर यूट्यूब वीडियो। सो होप यू ऑल आर फिट एंड फाइनर। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आई एम बैक इन धमतरी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैं धमतरी का अपने घर का कोई व्लॉग बना ही नहीं रही हूँ। मेरे जितने भी जो व्लॉग हैं मैंने लास्ट टाइम अभी बनाए हैं वो सब बाहर बाहर के हैं, कभी चरामा के तो कभी रायपुर तो कभी कोरबा। मतलब अभी मैं अपने घर का कोई व्लॉग बना ही नहीं रही हूँ। सो हाँ, मैं अभी कुछ ज़्यादा ही घूम रही हूँ। और इस साल मतलब 2022 में कुछ ज़्यादा ही घूमना हो रहा है। मतलब कहीं शादी हो रही है तो फैमिली फंक्शंस, और जो मेरा लास्ट व्लॉग था वो कोरबा का था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं किस पर्पज़ से कोरबा गई हूँ, हम लोग क्यों कोरबा आए हैं, क्योंकि हम लोग को घर बनवाना था और हम लोग वहाँ पर घर बनवा रहे हैं कोरबा में। सो घर का काम भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है और काफ़ी हद तक बन गया है, बेस वगैरह उठ गया है। सो मैं आप लोग को एक क्लिप दिखाती हूँ। देखा, घर का काम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, मतलब बेस वगैरह सब उड़ गया और कुछ महीनों में घर बन भी जाएगा। सो मैं वहाँ का भी व्लॉग बनाऊंगी। और सो इन माई लास्ट व्लॉग आई वेंट टू कोरबा एंड आई एंजॉयड अ लॉट, क्योंकि मैं वहाँ पे डिज्नीलैंड गई थी। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया है कि मैं डिज्नीलैंड गई थी और एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड किया है डिज्नीलैंड का। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर झूले थे, बहुत तरह तरह के। और हम लोग, मेरे को वो झूले का नाम नहीं पता है, हम लोग चार लोग थे, मैं और मेरे तीन कज़न्स और थे। तो हम लोग चारों वो 360 डिग्री वाला झूला जैसे गोल 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 घुमाता है, हम लोग उसी में झूले। बहुत मज़ा आया। मैं तो इतना डर गई थी, इतना डर गई थी कि मेरा चिल्ला चिल्ला के गला ही बैठ गया था उस दिन। और उसके बाद और भी झूला हम लोग झूलने वाले थे, जैसे आकाश झूला था, ब्रेक डांस वो ब्रेक डांस वाला झूला था, और जो ऐसे वो जहाज वाला रहता है, ऐसे शिप वाला रहता है जो ऐसे ऐसे घुमाता है, वो वाला था। और भी बहुत सारे थे, बच्चों लोग के लिए भी बहुत सारे प्यारे प्यारे झूले थे। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ इतनी बारिश होने लगी और इतना तूफान चल रहा था ना कि वहाँ का जो भी फन क्या बोलना चाहिए, डिज्नीलैंड था, वो सब बंद करने लगे। तो हम लोग वापस घर आ गए और इतना तूफान चल रहा था, हम थोड़ा भीग भी गए थे, तो मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था उसी दिन। और अभी मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। और तो मौसम का क्या ही बताऊँ, इस साल तो इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब पूरा हाल बेहाल हो जा रहा है और पूरे स्किन टैनिंग हो जा रहे हैं, सनस्क्रीन लगा लगा के निकलना पड़ रहा है बाहर। मेरा तो बहुत हाल बेहाल है मत पूछो, क्योंकि मेरे को हर छोटे छोटे काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है, कुछ कुछ सामान वगैरह लाना पड़ता है, तो दिन में जाना पड़ता है कभी कभी। और दिन में इतनी ज़्यादा धूप रहती है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि पूरा स्किन जल जाएगा। और मैं कोरबा में भी थी ना, तो कोरबा में भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, लेकिन वहाँ थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है क्योंकि वहाँ हर दो तीन दिन के गैप में बारिश होती रहती है। बट एज़ कम्पेयर कोरबा, धमतरी में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है मत पूछो, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है यहाँ पे। तो मतलब पानी तक पूरा गर्म हो जाता है एकदम, मतलब बॉयल हो जाता है पानी। तो दिन में तो तुम नहा ही नहीं सकते हो, अगर नहाना है प्रॉपर तो रात को ही नहाओ, क्योंकि रात तक थोड़ा पानी ठंडा हो जाता है। और यहाँ पे कल ही, हाँ कल ही ले दे के थोड़ा बहुत बारिश हुआ है, तो आज मौसम थोड़ा ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा धूप भी नहीं निकला है और अच्छा है, मतलब मौसम लाइट है। सो यही सब था। और कोरबा गई थी, हाँ, और एक और चीज़, मैं कोरबा गई थी वही डिज्नीलैंड में। सो मेरे को यहाँ से, कोरबा से आए हुए यहाँ तो एक हफ़्ता हो गया है, और जब मैं कोरबा गई थी डिज्नीलैंड में, सो हम लोग जो वो 360 डिग्री वाला जो झूला झूले थे ना, तो वहाँ पे वही झूला कुछ 5-6 दिन बाद बोलते हैं वही झूला अटक गया था। मतलब 90 डिग्री के एंगल में ना वो झूला अटक गया था। सो मेरे को ना वो न्यूज़ आया, और मतलब मेरे कज़न्स लोग मेरे को भेजे, वीडियो भेजे। सो मेरे को देख के बहुत ज़्यादा डर लग गया, मतलब मैं तो सोची यार कि आइंदा से कभी ये सब झूला झूलना ही नहीं है, क्योंकि सही बात है, मतलब जो अनलकी होंगे बेचारे, तो वो लोग तो 90 डिग्री के में ही अटक गए। और क्योंकि खुद हम लोग, जब मैं वो झूला झूल रही थी ना, तो 90 डिग्री में 2 मिनट के लिए रोक देता है उस झूले को, तो जितना भी ये पूरा जो अपना हेड है ना, वो पूरा बॉटम में हो जाता है, और इतना ज़्यादा भारी लगता है सर में, मत पूछो। तो सोचो वो लोग इतने देर तक रहे होंगे, तो वो लोग का तो क्या हाल हुआ होगा, मैं तो ये सोचती हूँ। सो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मतलब अगर जो भी वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, तो उन लोग को ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, जान का खतरा रहता है। सो
आज मेरे व्लॉग में आप लोग देखने वाले हो दैट टुडे आई एम गोना मेक फ्रेंच फ्राइज़, मतलब कि पेरी पेरी फ्राइज़। सो मैंने मसाला लेके आया है पेरी पेरी वाला, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और मुझे आलू लेने जाना है और मैं उसमें चीज़ भी ऐड करूँगी, सो मेरे को चीज़ भी लेने जाना है, तो लेट्स गो। मैं पास के प्रोविज़न स्टोर जा रही हूँ आलू लेने के लिए, और आलू हम लोग लेके आए हैं, मैं और मम्मी कल ही गए थे मार्केट। हम लोग 2 किलो आलू प्याज लेके आए हैं, लेकिन आलू को ज़्यादा ही छोटे छोटे, और मेरे को फ्राइज़ के लिए बड़े बड़े आलू लगेंगे ना, तो मैं जा रही हूँ। सो इस साल को ज़्यादा ही गर्मी है, सो फॉर कीप योर बॉडी हाइड्रेट यू मस्ट हैव टू ड्रिंक ग्लूकोज, और नींबू पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा, और पानी पियो, मतलब भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, और वाटरमेलन लो फ्रूट्स में, तो क्योंकि कई लोग को डिहाइड्रेशन हो जाता है, लू लग जाती है, सो बी केयरफुल। सो फ्रेंड्स आई एम रेडी, और मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो मैं स्कार्फ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मैं कभी भी ऐसे खुला मुँह लेके और मास्क लगा के नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये पूरा फेस को प्रोटेक्ट करता है धूल डस्ट से। और बस मैं जा रही हूँ, सो मैं यूँ गई और यूँ आई। सो मेरे गले में ना खराश है, थोड़ा गला बैठा हुआ है, सो मैं ये विक्स खा रही हूँ, और विक्स की गोली लो और खिच खिच दूर करो। चाबी रखे रखा है, कोई बताता ही नहीं है चाबी किधर है। मेरे को ना हमेशा चाबी का रोना रोती रहती हूँ मैं, क्योंकि चाबी टाइम पे मिलता ही नहीं है मेरे को, तो मैं इमरजेंसी के लिए चाबी डिक्की में रखती हूँ। जो मेरा डिक्की है ना वो ख़राब है, इसका लॉक ख़राब हो गया है। मैंने कल ही अपनी गाड़ी धोई है, लेकिन मैंने डिक्की के अंदर इसको नहीं धोया हुआ है, सो इसको मैं स्किप करती हूँ। ऐसे तो मैं कभी कहीं जाती नहीं हूँ, मम्मी बोलती है। आज का मौसम कितना ज़्यादा सुंदर है, कल बारिश हुआ है ना, तो आज का मौसम थोड़ा अच्छा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हो। और चीज चाहिए 15 वाला 2। आई ब्रॉट एवरीथिंग, मैंने दही लेके आया है क्योंकि हम लोग लस्सी बनाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लस्सी पीना ज़रूरी है। और मैंने ये 2 चीज़ क्यूब लेके आया है, सो ये फ्रेंच फ्राइज में डालने काम आने वाला है। और सो मुझे यही साइज़ के आलू चाहिए थे, सो मैंने आलू भी लेके आ गई हूँ, सो अभी इसी का फ्रेंच फ्राइज बनेगा, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स मैं इसी पेरी पेरी मसाले का बात कर रही थी, सो इट्स अ वेरी वेरी मिक्स, और मैंने ये मेगा मार्ट से लेके आया था, ये 79 का है बट मेरे को ये 75 में पड़ा था, सो इसे मैं फ्राइज़ में ऐड करूँगी, और मैं पेरी पेरी फ्राइज़ ही बना रही हूँ, सो इट टेस्ट गुड। और इसे मैं स्प्रिंकल कर दूँगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आने वाला है। सो ये इंग्रेडिएंट का पार्ट है, और मेरे को मैदा निकालना है और कुछ कुछ स्पाइसेस और ऐड करने हैं, सो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारा ये बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। सो फ्रेंड्स बिफोर स्टार्ट कुकिंग यू मस्ट हैव टू टाई योर हेयर प्रॉपरली, क्योंकि हेयर फॉल होते हैं खाने में चले जाते हैं, तो इससे पूरा मूड ख़राब हो जाता है। सो थोड़े बहुत हेयर फॉल होते हैं ना, सो मैं भी अपने हेयर को प्रॉपरली टाई कर लेती हूँ जब भी मैं कुकिंग करती हूँ। तो सो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, सब स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स निकाल लिए हैं जो कि पेरी पेरी फ्राइज़ में यूज़ होने वाले हैं, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये है मैदा, और ये है पेरी पेरी मिक्स मसाला, देन मैंने आलू का ये, इसको मैंने पूरा छील दिया है, सो छील के निकाल देना है। सो फ्रेंड्स मैं 3 आलू का फ्राइज़ बना रही हूँ, और फ्राइज़ बनाने से पहले मैं आलू की अच्छे से चॉपिंग कर लेती हूँ, कुछ इस टाइप की आप लोग देख सकते हो। सो लंबी लंबी चॉपिंग करनी है, और फ्रेंड्स मैं जब भी भूखी रहती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और तुरंत तुरंत कुछ बनाना रहता है, सो मैं फ्राइज़ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये टेस्ट में भी बढ़िया रहता है और जल्दी बन भी जाता है। बस सिंपल आपको इसकी चॉपिंग करनी है जैसे मैं कर रही हूँ, और इसमें आपको मैदा ऐड करना है, मसाला ऐड करना है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको फ्राई कर लेना है, देन सिंपल। और इसमें आप पेरी पेरी मसाला डाल सकते हो और चीज़ भी ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है चीज़।
सो मैंने आलू को फाइनली चॉप कर लिया है, देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। और बस इसको मैं 3 बार अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए, और देन फिर मैं इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करूँगी। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका स्टार्च वगैरह सब निकल गया है। अब इसमें मसाला ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ना इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी। तो मैदा से क्या होता है ना कि ये क्रंची हो जाता है बढ़िया, और इससे अच्छे से मैरिनेट भी हो जाता है। देन फिर उसके बाद मैं मसाला ऐड करने वाली हूँ। सो मसाले में मैं ऐड करूँगी सॉल्ट और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, देन इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा टर्मेरिक। देन उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ इसमें ताकि थोड़ा सा गीला हो जाए और जितना भी मसाला और मैदा है सब आलू में अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। सो इसको मैरिनेट करने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए इसको रख लूँगी ताकि जितना भी सब मसाला है तो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इससे। तो मैंने पेरी पेरी फ्राइज़ बना लिया है और लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और मैंने आप लोग को सारा इंग्रेडिएंट्स वगैरह बता दिया, मैंने क्या क्या ऐड किया है और रेसिपी भी बता दिया है। सो होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग माई वीडियो। सो सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग्स। सो बाय बाय एंड टेक केयर।